आज के इस अधिमुष्यान जलसे आम के सदर मोहतरम हमारे रशीद साहब मंच पे तशरीफ फरमा, पार्लियामेंट बोर्ड के सभी अराकीन, मंच पे तशरीफ फरमा कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदारान, मेरे भाई इश्तियाक निहाल अहमद साहब, सभी कारपोरेटर्स, साबिक कारपोरेटर्स, और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, इस राइट साइड के अंदर खड़े हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, इस लेफ्ट साइड के अंदर खड़े हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और गलियों के अंदर नयापुरे की सभी गलियों के अंदर खड़े हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, घरों के अंदर बैठी हुई मेरी मां और बहने, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आयतनामा पढ़कर आप लोगों को बता दूं और उसके बाद मैं मेरी तकरीर शुरू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ शेख रशीद, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मालेगांव की आवाम से आज वादा करता हूं कि अपने इंतखाबी मंशूर को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अल्लाह की मर्जी से दोबारा एमएलए मुंतखब हुआ तो इंशाअल्लाह जरूर पहले से बेहतर कारकर्दगी अंजाम दूंगा और अपने कामों की तफसील हर साल हिसाब आवाम की अदालत में पेश करता रहूंगा। शहर के बुजुर्गों की जानिब से जो भी मशवरे आएंगे इन पर अमल करूंगा। मैं आसिफ शेख रशीद यह ऐद करता हूं कि गुजरते 5 सालों की तरह आइंदा भी हर समाज, हर तबका, हर मकतबे फिक्र को इज्जत की व एहतराम की नजर से देखूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा और एक नई तरक्की याफ्ता शहर की तामीर के लिए पावरलूम सनत, बुनकर भाई और पावरलूम मजदूर और छोटा मोटा व्यापार करने वाले सबकी हिफाजत व तरक्की के लिए सब लोगों के साथ मिलजुल कर काम करूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं सभी जिम्मेदारान, मेरे सभी मंच पे बैठे हुए मेरे वालिद और मंच पे बैठे हुए सभी मुकर्रर और इस जलसेगाह के अंदर और मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, वर्कर, सभी हमारी लेडीज कार्यकर्ता, आप सब लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 1.5 महीने से
आप लोग, आप और हम सब लोगों ने मिलकर असेंबली के इस इलेक्शन को लड़ने के लिए जो मेहनत की, जद्दोजहद की, जो अपना ताउन दिया, अपनी कुर्बानियां दी, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यह आखिरी जलसा है, इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा। और मैं मालेगांव शहर की हमारी सभी आवाम से, अगर इस इलेक्शन के अंदर, जलसों के अंदर, तकरीरों के अंदर या हमारे अपने वर्करों से या अनाउंसिंग करने वालों से या नजम पढ़ने वालों से या हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, वर्करों से, या इस मंच के ऊपर जितने मुकर्रर बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची होगी, आपकी कोई दिल आजारी हुई होगी, तो मैं हमारे सभी जिम्मेदारान की तरफ से, मैं मालेगांव शहर की आवाम से माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, और हमारे स्टेज से हमारे मुखालिफ जितने भी लोग हमारे खिलाफ में इलेक्शन लड़ रहे या उनके वर्कर, अगर हमारे स्टेट से उनको कुछ बोला गया होगा, अगर उन लोगों का भी दिल दुखा होगा, तो मैं उन लोगों से भी बहुत बहुत माफी चाहता हूं। ये इलेक्शन है और इंसान इंसान से गलतियां होती है। मैं समझता हूं इस मस्जिद और मीनारों के शहर में, इस मुसलमानों की बस्ती में, अगर हम भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा नहीं करेंगे और एक दूसरे के अंदर मोहब्बत को नहीं बांटेंगे, तो हमारा शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, और इतने जवाब पे आ चुका है, इतना ऊंचा चले गया है, कुछ लोगों को जमीन के ऊपर इंसानों की कदर नहीं रह गई। मैं ताज्जुब करता हूं कभी कभी, बहुत अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर कि जो इतनी घटिया सियासत इस शहर के अंदर शुरू की है। बहुत अफसोस होता है, इनकी जबान क्यों नहीं कांपती उस वक्त इनका दिल क्यों नहीं दहलता उस वक्त जब ये एक कलमा गो को दूसरा कलमा गो अगर खराब बोलता है और बांटने की कोशिश करता है, तो इनकी जबान क्यों नहीं कांपती?
भैया जो बैठ रहा हूं बैठन दो ना तो छोड़ दो। इनकी जबान और इनका दिल क्यों नहीं फैलता जब एक दूसरे कर्मा को भाइयों को इस तरीके से पुकारा जा रहा था। बुलशेर नगर के अंदर अलग अलग खानों में बांटकर तकरीरें की जा रही थी। एक अल्लाह एक रसूल एक कुरान को मानने वाले को अलग अलग खानों में बांटकर इनके मंच से तकरीरें की जा रही थी। इनकी जबान क्यों नहीं कांपी? इनका दिल क्यों नहीं दहला? इनको क्यों अल्लाह का खौफ नहीं रहा कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? एक कुर्सी के लिए वो भी सिर्फ 5 साल की है, ये क्यों नहीं सोचा इन लोगों ने? ये शहर के आवाम को सोचना होगा। 2014 में आप लोगों ने मुझको कामयाब किया, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजा। इन 5 सालों में जो मैंने काम किया तो सिर्फ कोई एक शख्स का नहीं काम किया, मैं आज शहर के आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं उस काबिल हूं या नहीं? मैं आपकी वोटों का हकदार हूं या नहीं? मेरी उन मालेगांव शहर की उन लड़कियों से पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज उन लोगों तक जा रही है, मेरी वह तलबा से पूछना चाहता हूं, क्या मैं आपकी वोटों का हकदार हूं या नहीं? मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं जो आज एजुकेशन ले रहे हैं, आज तालीम ले रहे हैं, कि मैं आपकी वोटों का हकदार हूं या नहीं? मैं उन हमारे पावरलूम बुनकर भाइयों से पूछना चाहता हूं, एक पावरलूम बुनकर भाई आकर मुझको बता दे कि मैंने अगर कोई मेरे पास आया और मैंने किसी का काम नहीं किया, एक बुनकर भाई मुझे शहर में बता दो। पहले साल 2014 में 2014 और 15 में जब ड्यूटी ड्रॉबैक लगा दी गई मरकजी हुकूमत में, हमारा कारोबार बंद हो गया, कपड़ा हमारे शहर से बाहर नहीं जा रहा था, तो रमजान महीने का वक्त था और मेरी उम्र की तारीख आ गई थी। पावरलूम बुनकर भाई मेरे पास आए और मुझसे कहा कि यह बहुत बड़ा मसला है, ईद का त्यौहार सामने है, हमारा कपड़ा नहीं जा रहा, हमारे पास जितना रुपया पैसा था रोलिंग करने के लिए वो सब खत्म हो गया,
ये शहर अब बंद हो जाएगा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उमरा पे नहीं जाऊंगा, मैं मेरी शहर की सनक की बका के लिए आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बुनकर भाइयों से, क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस शहर के पावर लूम मजदूरों से, क्या आपके लिए अनसंगठित कामगार बोर्ड नहीं बना रहा क्या? क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस शहर के टीचर हजरात से, क्या आपको ये मेरे वक्त के अंदर और शेख रशीद साहब के इन 2.5 सालों में क्या आपको रेगुलर पगार हम लोगों ने नहीं दिलवाया क्या? मैं पूछना चाहता हूं वो मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जो 60 टीचर जो देहातों के अंदर रोजाना सुबह उठकर, इसमें से 40 हमारी बहनें थी और 20 हमारे भाई थे, जो सुबह उठकर कोई अगतपुरी के लिए जाता था, कोई सुरगाना जाता था, कोई गिंदौरी जाता था, कोई सिंगर जाता था, कोई यवना जाता था, और 40 हमारी बहनें जाती थी, क्या मैंने आपको मालेगांव शहर में नहीं लाया क्या? क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनके परिवारों से भी, उनके बच्चों से भी पूछना चाहता हूं, क्या मैंने तुम्हारे वालदेन का काम नहीं किया जो आज आप लोगों की नजर के सामने आप अपनी मां और बाप को देखते हो? क्या उनके परिवार को मैं पूछना चाहता हूं कि 4 से 5 घंटे के बाद क्या आप अपने वालदेन को नहीं देखते हो क्या? क्या मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं हमारे साइजिंग बालकान से, जितनी भी मालेगांव शहर के अंदर साइजिंग है, ईमानदारी से बोल देना, चाहे यूसुफ इलियास साहब भी ईमानदारी से बोल देना, या मेरे मुखालिफ जितने लोग हैं, क्या मैंने आपकी साइजिंग का काम नहीं किया क्या? मैंने ये नहीं देखा कि ओट मिट को 2014 में किसने दिया था, मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी का है। मैंने आप इस शहर के लिए, इस शहर का कारोबार बन नहीं होना चाहिए, मैंने रात दिन लगकर आप लोगों के पेपर क्लियर नहीं थे, क्या मैंने आप लोगों की पेपर बनाने के अंदर मदद नहीं की क्या? जो आज साइजिंग अल्लाह का करम है कि आज हमारा शहर कारोबार से आबाद है, उन साइजिंग वालों से पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी ऑटो का हकदार नहीं हूं क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि सियासत के लिए आप इतने नीचे उतर जाओगे सिर्फ चंद वोटों के लिए? आप मुझ पर, मेरे वालिद पर ऐसा इल्जाम लगाते हो कि कोर्ट के अंदर हम लोग गए, अरे ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये मुसलमानों की बस्ती है,
तरीके का झूठ बोलकर के कोर्ट के अंदर साइजिंग के खिलाफ यूसुफ अब्दुल्ला का लड़का गया है जो आज तुम्हारा प्रचार कर रहा है सिर्फ चंद वोटों के लिए हमारे बुनकर भाइयों के दिलों के अंदर तुम नफरत पैदा करते हो, नफरत पैदा करते हो। क्या तुम्हारे को तो इस शहर के बुनकरों ने, इस शहर के आवाम ने 5 साल का मौका दिया, ये बताओ कि इस शहर के बुनकरों के लिए तुमने क्या किया, ये बताओ। कोई काम नहीं किया शहर के बुनकरों के लिए, कोई बाहर लोग के लिए तुमने कुछ काम नहीं किया। 5 साल तुमने सब्सिडी नहीं दिला सके इस शहर के बुनकरों को। आप बुनकरों को, आप अपने आप को बुनकरों का मालिक समझते हो क्या? इज्जत आपने नहीं दी, इज्जत उस अल्लाह ने दी मुझको और इस शहर का नुमाइंदा बनाया। और इसके लिए मैं कोई तबर का नहीं, एक नजर से देखता हूं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मजदूर हो, एक नजर से देखकर इन 5 सालों के अंदर मैंने काम किया हूं। तुम जिस तरीके से झूठ का सहारा लेकर इस शहर के नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हो, अल्लाह वास्ते आपके मुफाद के लिए, एक कुर्सी के लिए इस शहर के नौजवानों को छोड़ो मत, गलत रास्ता मत बताओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने तुम्हें जो इल्म दिया है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस शहर को अच्छे रास्ते पर ले जाने की, लेकिन तुम गलत रास्ते पर एक कुर्सी के लिए लेके जा रहे हो। आप अपनी इस्लाह करो कि तुम कहां खड़े हो। मेरी तो वो औकात नहीं कि मैं आपकी इस्लाह कर सकूं। आप आलिम हो, शहर आपको अच्छी नजर से देखता है, लेकिन आप सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस शहर के अंदर जो कर रहे हो, जो झूठ का सहारा ले रहे हो, ये शहर के लिए, इस मुसलमानों की बस्ती के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, इस शहर की आवाम से कहना चाहता हूं, इस इलेक्शन में मेरी मां बहनों का भी जहन खराब करने का काम किया गया। इस शहर की आवाम कभी जहन खराब करने का काम किया गया कि पानी 2 दिन गैप करके मिल रहा है नलों में, जहन खराब किया गया। यह बात उतनी सच है कि 2 दिन गैप से मिल रहा है और डैम में पानी है, लेकिन रोजाना पानी देने के लिए, 1 दिन गैप करके पानी देने के लिए 8 पंप लगते हैं। 8 पंप जो डैम से पानी खींच कर पंपिंग करके जो हमारे गांव पहुंचाता है, जो पंप होता है, वो सिर्फ 4 पंप शुरू है। और हम आचार संहिता थी इसलिए नया पंप का काम नहीं शुरू हो चुका। अगर इलेक्शन नहीं होता तो शहर की आवाम 1 दिन गैप करके पानी पीती, 4 पंप का काम शुरू है, 4 पंप चालू है। इंशाअल्लाह मेरी मां बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, 1 दिन गैप करके पानी 1 नवंबर से इंशाअल्लाह मिलेगा, इस बात का वादा करता हूं।
ہوتی ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں کے ذہن میں تم جھوٹ پھیلا کر گمراہ کرتے ہو۔ اور میری ماں بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اگر کہیں پر چار رات میں 4 بجے نہ رہتا ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ فجر سے لے کر رات 10 بجے تک مکمل نل والے گاؤں شہر کے اندر پانی مل جائے۔ یہ گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور میں آج ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں، جتنا پاکھنڈ انہوں نے کیا اس الیکشن کے اندر اور ہم پر جو الزامات لگائے گئے، چھوٹے الزامات لگائے گئے، میں ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں اور اللہ کا خوف ہے مجھے کہ ایک بھی یہ 5 سال سے چلا رہے، عوام کو گمراہ کرے، میں ان اخبارات والوں سے بھی کہنا چاہوں گا مجھ کو تو ایسا لگنے لگا کہ میڈیا سینٹر بنا کر میں نے غلطی کر لی۔ صاف طور پر بولنا چاہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، کسی کو خراب لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہاں پر بیٹھ کر ارے جس جگہ شیخ آصف نے تم کو بنا کر دیا وہاں پر بیٹھ کر اسی کے خلاف بولتے ہیں اور تم اپنے اخبار کے اندر لکھتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور آپ کا سارا لے کر آپ بھی اتنے گنہگار رہو گے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور تم جھوٹ لکھتے ہو، تم بھی اتنے گنہگار ہوگے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ اس شہر کی ترقی کے اندر آپ کا ساتھ ضروری ہے، اس شہر کی ترقی میں آپ کی سچائی ضروری ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک بھی بھشٹاچار اگر مجھ پر یا میرے پریوار کے اوپر ثابت کر دے گے تو شہر جو سجا دے گا وہ منظور ہے۔ اس لیے میں آج جواب دے رہا ہوں ہر بات کا کہ یہ شہر کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے 5 سالوں کے اندر میں نے اردو گھر بنایا، اگر ان کو چیئر اتنی پسند ہے، کرسی اتنی پسند ہے اور یہ مجھ کو ہرانا چاہتے ہیں تو میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ اردو گھر کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ جو میں نے بچوں کو کتابیں دی، جو بچوں کے لیے میں نے تعلیم کا کام کیا، یہ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس شہر کو فلائی اوور بریج دیا، یہ تعمیر کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس شہر کی صنعت کے لیے کام کیا، یہ اس صنعت کا کام نہیں ہونا دینا چاہتے۔ میں نے مزدوروں کا کام کیا، یہ مزدوروں کو سکھ سے نہیں رہنا دینا چاہتے۔ میں نے ہر شخص کا کام کیا، اس شہر کے اندر وکاس اور ترقی کی، میں نے ہل اسٹیشن بنایا، اس کو یہ ختم کرنا چاہتے۔ مالا گاؤں فیسٹیول کروایا، یہ اس کو بند کروانا چاہتے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کیا،
बच्चे उसको खत्म करना चाहते और इस शहर को दफन करना चाहते हैं, अगर आप उसी में खुश हो तो मैं आज इस शहर की आवाम के बीच में इस फतेह मैदान के अंदर, अगर ये शहर के विकास को दफनाना चाहते, इस शहर की तालीम को दफनाना चाहते, इस शहर की सेहत को दफनाना चाहते हैं तो शेख रशीद साहब से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये शहर बर्बाद हो गया, ये शहर अगर दफन हो गया तो मेरा तुम भी चंदे का इंतजाम करके मुझे भी कफन वही लेना और मुझे वही कफन में दफनाना, अगर ये उसमें खुश रहते तो मुझे वो भी मंजूर है। इसी में खुश रहना चाहते हैं ये लोग, ये शहर को बर्बाद करना चाहते, ये शहर के विकास को दफनाना चाहते तो मुझे भी कफन आपके पैसों का मंजूर होगा, अगर उसके अंदर वो खुश हो जाते तो मुझे कोई कुछ बोलना नहीं है। अल्लाह रसूल का वास्ता है आप लोगों को, इस शहर के आवाम को, इस शहर की मां बहनों को, इस शहर की हमारी बच्चियों को, इस शहर के हमारे नौजवानों को, कि मैं बार बार यहां से बोला, इस शहर के हर स्टेज के ऊपर बोला कि यह इलेक्शन यह बहुत अहमियत का इलेक्शन है, यह मामूली इलेक्शन मत समझो। जिस तरीके से ये लोग ये शहर को छोड़ना चाहते, आम सब लोगों के शहर के मुसलमानों को, और अगर आप लोगों ने गलती कर ली, इस शहर की आवाम ने गलती कर ली तो 5 साल ये शहर की आवाम भी पछताएगी और हम भी पछताएंगे। मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि इस शहर को बचाने के लिए आपकी वोट इसकी झोली की, मेरी झोली के अंदर डाल दो। मैं भीख के तौर पर मांगता हूं ये शहर को बचाने के लिए, ये शहर के विकास के लिए, इस शहर के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस शहर के मजदूरों के लिए, इस शहर के बुनकरों के लिए आप मुझे भीख में वोट दो। मुझे इस शहर को संभालना है, इस शहर को मुझे संभालना है। मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, ये इलेक्शन मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करने वाला है। निहाल अहमद साहब ने शहर को संभाला, हारून अहमद अंसारी साहब ने संभाला, शब्बीर शेख साहब ने संभाला, आयशा हकीम साहब ने संभाले, शेख रशीद साहब ने संभाला, और मुझे जो आपने जिम्मेदारी 5 साल दी थी मैंने भी संभाला। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर सोमवार आप लोगों ने मौका दिया तो इस भारत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेकर इस शहर का डेवलप, इस शहर की तरक्की, इस शहर का विकास, इस शहर को संभालना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं वादा करता हूं आप लोग 15 निशान पर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।